एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का रिव्यू, क्विक सा रिव्यू है फॉर नियाज कलेक्शन। अस्मा शेख उनकी ओनर हैं। ये लोग जो हैं वो फेसबुक पे ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स भी लेते हैं। इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है फॉर्मल और कैजुअल चादरों की। इसके अलावा जो है बहुत अच्छी नमाज चादर्स की कलेक्शन भी है। इनके पास ज़्यादा देर स्टॉक रुकता नहीं है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी उनसे कांटेक्ट करना होगा। आई थॉट के दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पोस्ट रिव्यू, क्योंकि ईद आने वाली है और आप में से बहुत सारों को फॉर्मल चादरें या कैजुअल चादरें चाहिए होंगी। आई नो ईद इस दफ़ा सेम नहीं है, लेकिन फिर भी ईद तो फिर ईद है। अल्लाह ताला सबके घरों में अमन कायम करे, सबको खुशियाँ और सेहत दे। तो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो नियाज कलेक्शन से आई गेस वन एंड हाफ ईयर बैक जो है वो नकाब और हेड कैप्स ख़रीदी थी। मैंने जो है वो नकाब लास्ट ईयर से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे प्रॉपर नकाब करना नहीं आता था, मैं बस स्काफ जो है वो अपने फेस के इर्द गिर्द लपेट लेती थी एंड आई थॉट कि मैं ठीक लग रही हूँ या नकाब सही है। बट मेरे लिए वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग था, क्योंकि वो मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है, तो फिर वो स्काफ जो है वो ब्रीदेबल नहीं होता था और फिर इस तरह के इश्यूज थे। जज़ाकअल्लाह अस्मा का कि उसने जो है वो मेरी बहुत हेल्प की। वो मुझे बस खींच के जो है वो एक एग्जीबिशन में लेके गई अपने साथ, और उसने कहा कि ये मेरा स्काफ लो और मेरा नकाब लो, और उसने मुझे नकाब करना प्रॉपर सिखाया। तो एक उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और बाकी जो है मैंने उनसे ख़रीदे। अब मैं आपको इनके नकाब के बारे में बताती हूँ। नकाब जो है वो इनकी डबल लेयर्ड होते हैं और डबल लेयर हैं, और प्रॉपरली स्टिचिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, नीट फाइन। इसके अलावा जो है पीछे इलास्टिक है, तो आप इलास्टिक है तो आपके हिसाब से ये आराम से एडजस्ट हो जाता है, इसमें आपके फेस के हिसाब से आराम से एडजस्ट हो जाता है। ब्रीदेबल है, आपको बिल्कुल भी इससे कपड़े से कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बहुत इजी टू वेयर है, आप आराम से ज़रा सा उठा के और खाना वाना खा सकते हैं। अगर इस पर कोई स्टेन भी लग जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कि मैंने इनको फ़ौरन वॉश कर लिया, तो इस पर कोई निशान भी नहीं पड़ा। मैंने जो है इनसे काफ़ी कलर्स ख़रीदे थे, जैसे कि ऑफ वाइट लिया था मैंने, ये रॉयल ब्लू लिया है, डी पिंक लिया है, इसके अलावा ये ब्लैक जो है ये मुझे आसमान ने गिफ्ट किया था, इसके अलावा ये पिंक लिया है, ग्रे लिया है। तो मैंने काफ़ी सारी नकाब की कलेक्शन इकट्ठी की हुई है। इसके अलावा मैं आपको ब्लैक वाला दिखा दूँ, जो मैं तकरीबन 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, अब कहीं जाके इसकी जो पीछे की इलास्टिक है उसमें स्ट्रेच अभी भी है, लेकिन ये कुछ अभी हल्की फुल्की जो है वो लूज़ एक कॉर्नर से हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हैं, स्टिचिंग भी वैसी फाइन है। आपको इसके अंदर जो है वो कोई मतलब ना, ये मैं इसको आराम से हैंड वॉश भी कर लेती हूँ, मैं इसको मशीन में भी डाल देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं एक नकाब यूज़ कर रही हूँ 1.5 साल से, लेकिन इसमें मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके अलावा इनकी हेड कैप्स मैं आपको दिखाती हूँ। हेड कैप्स जो है इनकी, ये आप देख सकते हैं कैसी है, पीछे से आप खुद नोट करेंगे इसको, क्योंकि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है अगर वो इलास्टिक वाली हेड कैप्स होती हैं। तो इसमें पीछे सिर्फ इस जगह पे इलास्टिक है। इसके अलावा इनकी सारी हेड कैप्स जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो ओवरलॉक हुई हुई हैं। जितनी भी हेड कैप्स होंगी नीटली स्टिच्ड हैं, आप इनकी स्टिचिंग देख लें, आगे से भी नीटली स्टिच्ड हैं। मैंने जो है ये ब्लैक वाली यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये, अगर आप लोगों को कैमरे में प्रॉपर नज़र आ रहा हो, तो ये जो है इसकी पीछे से इलास्टिक भी, उसमें भी स्ट्रेच है, इसके ओवरलॉक में भी कोई इशू नहीं आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी हेड कैप्स है। मैंने इनसे पिंक ली थी स्किन, जो कि हर ड्रेस के साथ चल जाती है, ब्लू ली है, और इसके अलावा ब्राउन। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत रखे, तो मैं इनसे और भी ख़रीदने का इरादा रखती हूँ। नमाज चादर भी मेरा ख़रीदने का इरादा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग
इनको कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। इसके अलावा फेसबुक पे आप जाइए, फटाफट इनकी इनको ऑर्डर कीजिए। बिल्कुल रिलायबल हैं, ऑन टाइम डिलीवरी है। अस्मा बहुत अच्छे से आपको एंटरटेन करेगी, आपकी क्वेरीज का प्रॉपर जवाब देगी। दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू, ये मैं ख़ुद से कर रही हूँ क्योंकि मैंने इससे चीज़ें ख़रीदी थी एंड आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं जो हूँ वो जिस से जो जो चीज़ ख़रीदी है उसका एक प्रॉपर रिव्यू बना के आप लोगों को दूँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत हेरा फेरी है और बहुत सारे लोग जो हैं उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग नियाज़ कलेक्शन पे जाइए और नियाज़ कलेक्शन पे जाके उनकी चादरों को देखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू हो भी तो अस्मा जो है वो आपको बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली एंटरटेन करेगी। इनकी बाकी चादरें भी मैं जो हूँ वो लगाऊंगी इस वीडियो के अंदर, आप वो भी चेक करिएगा। इनका फेसबुक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी मैं, आप उस पर कीजिएगा। और आई होप आप लोगों को सब बहुत अच्छे तरीके से पसंद आए। जज़ाकल्ला खैर ये रिव्यू देखने का। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको और किस चीज़ का रिव्यू चाहिए। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कॉस्मेटिक्स का भी रिव्यू करूंगी और वो भी एक बहुत रिलायबल पेज है, उसके बारे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला आपके घरों में खैरियत रखे, सबको खुशियों के साथ अमन के साथ रखे। मेरे मुल्क पाकिस्तान में अमन कायम करे, इस वबा से हम सबको महफूज रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान में खुशियों का दौर फिर से चल पड़े। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।